अगली खबर में बात करते हैं गुना की, जहां जिले के मधुसूदनगढ़ में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। यहां एक भैंस ने 8 पैरों वाली बछिया को जन्म दिया है। उसके सामान रूप से आगे पीछे दो दो पैर तो होते ही हैं, इसके अलावा बीच में 4 पैर और हैं। दोनों ही पूरी तरह स्वस्थ हैं। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में आसपास के नागरिक उसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मामला मधुसूदनगढ़ इलाके के नसीरपुर गांव का है। यहां रहने वाले शिव नारायण कुशवाहा खेती किसानी का काम करते हैं। उनके घर पर कई मवेशी भी पाले हुए हैं। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात उनकी एक भैंस ने बच्चे को जन्म दिया। सामान्य रूप से उसकी डिलीवरी हुई, लेकिन जब भैंस का बच्चा बाहर आया तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। भैंस के बच्चे के 8 पैर थे। किसान शिव नारायण ने बताया कि रात को 2:30 बजे डिलीवरी हुई है। भैंस ने 8 पैरों वाले बच्चे को जन्म दिया है। दोनों फिलहाल स्वस्थ हैं। हालांकि इतने पैर होने की वजह से वह खड़ी नहीं हो पा रही है। सामान्य रूप से 4 पैरों के अलावा बीच में 4 पैर और हैं। बच्चा उल्टा पैदा हुआ है। इस आश्चर्यचकित घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में बच्चे को देखने पहुंच रहे हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।